अब देखो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मेरे भाई इसमें जो भी पूछा है जल्दी से बता देना, इसको मैं जूम कर देता हूं, इसमें जो भी पूछा है वो आप जल्दी से बता देना और क्वेश्चन को गलत मत कर देना। ओके तो लगाओ क्वेश्चंस को भैया, बना दोगे आप इस क्वेश्चन को। देखो कब पूछा गया ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया कब पूछा गया, क्वेश्चन नंबर वन। ओके जल्दी बनाओ। गुड इवनिंग प्रवीण सर, कैसे हो सर? देखो 20 केवी आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, वहां पे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे वो रेटिंग सब कुछ गिवन है। आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना विद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 200 वोल्टेज के साथ, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। आंसर कौन सा होगा जल्दी बताओ कि यहां पे आपका आंसर क्या होगा। एसएससी जेई 2011 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जेई 2011 के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या आंसर होना चाहिए बच्चे यहां पे? सॉल्व करो। आप इसका मतलब समझ रहे हो? यहां पे जो ये लिखा हुआ है कि जो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग का मतलब कितना है कि यहां पे इसकी जो टोटल केवीए होगा उसमें से इंडक्शन प्रोसेस तो आपको दे रखा है, लेकिन इसमें से आपका कंडक्शन प्रोसेस कितना आया। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि जब ऑटो आपने बनाया तो उसमें आपका कंडक्शन प्रोसेस कितना है, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका कंडक्शन प्रोसेस कितना है। जल्दी बताओ, सुमित आप बोल रहे हो बी, बाकी के बच्चे सोल्व नहीं कर पा रहे क्या? जल्दी बनाओ भैया, जल्दी बनाओ। नहीं बना पा रहे अंजलि, आप बोल रहे हो बी। ओके बढ़िया, रोशन आप बोल रहे हो बी। ओके अभी वाला ही तो सब कुछ क्वेश्चन से, इसमें क्या चेंज हो गया मेरे भाई, क्या चेंज हो गया यार, आप समझे हो? अरे अभी मतलब जो आपका जो मैं उस पर डिस्कस कर रहा था, आपको किसी को लग रहा होगा सर इस टाइप के क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे जाते, पूछा हुआ है ना। ओके देखो मेरे भाई, आप ये देखो, अब आपको ये ना चीजें नहीं निकालने आ रही थी, आप है ना यहाँ पे रेटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे। देखो मेरे भाई, देखो अब देखो, आपने देखा कि मेरे भाई ये आपके पास ये वाइंडिंग आपने बना दी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। अब देखो ये आपके पास सप्लाई थी, ओके तो यहां पे लगा दिया मेरे भाई, यहां पे 2000 था। ओके तो 2000 यहां पे लगा दिया, दिस इज डॉट और यहां पे लगा दिया मेरे भाई कितना 200 वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना हो गया मेरे भाई, टोटल वोल्टेज कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2200। ओके अब आपको ये देखना था कि सर इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा, ओके और इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा, तो मैं भैया इसको बोल देता हूं I1 rated। ओके I1 rated बोल देता हूं, ओके और इसके अंदर बोल देता हूं I2 rated। ओके तो मेरे भाई आप बताओ कि I1 rated जब निकालोगे, आप I1 rated निकालोगे तो रेटेड वोल्टेज पे ही निकालोगे, और रेटेड वहां पे केवी रेटिंग होगी उस पे ही तो निकालोगे ना भैया, KVA डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ओके तो KVA कितना है मेरे भाई, 20 KVA है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपके पास कि सर यहां पे जो होगा 20 × 10³ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2000। ओके 2000 तो हमारे पास कितना हो गया भैया 10 एम्पियर। तो सर इसके अंदर जो कॉमन वाइंडिंग है, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा मेरे भाई, 10 एम्पियर जाएगा। भैया इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो आप बोल दोगे सर I2 rated कितना जाएगा, सर I2 rated की अगर मैं बात करूंगा तो KVA by वोल्टेज, तो सर यहां पे देखो कि यहां का वोल्टेज कितना है, आप बोलोगे सर यहां का वोल्टेज 200 है सर, और यहां पे KVA कितना है सर, KVA तो वही है ना सर, 2 winding का ही 10³। ओके तो भैया यहां से निकाल दोगे आप, इसको कट करोगे तो 100 एम्पियर नहीं आएगा क्या? अब देखो जो आपने ये निकाला है ना, ये करंट किसके थ्रू आपने निकाला है, ये करंट मेरे भाई कंट्रीब्यूट किसको करता है, 2 winding को। ये प्रत्येक winding के अंदर जो करंट आ रहा है ये 2 winding का ही प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ओके 2 winding के थ्रू ही आप यहां पे करंट निकाल रहे हो, तो सर इसके अंदर 100 एम्पियर हमारे पास आ गया। अब देखो ऑटो का जो करंट होगा,
ऑटो का जो करंट होगा एक तो ये होगा एक ये होगा, मतलब ये भी आपका ऑटो का ही पार्ट हो जाएगा और जो यहां पे करंट होगा वो भी आपका ऑटो का ही पार्ट होगा। सर अगर यहां पे बात करूं सर तो यहां पे आपके पास 10 एम्पीयर इधर गया और 100 एम्पीयर इधर गया तो इधर कितना चला गया सर 110। ओके 110 हो गया तो भैया यहां पे केवीए रेटिंग बताना एक बार ऑटो की, तो आप बता दोगे सर एस ऑटो जो होगा वो 2000 × 110 होगा ना सर, तो हमारे पास 220 केवीए नहीं होगा क्या मेरे भाई? अगर आप यहां से भी आप एस ऑटो निकालोगे, एस ऑटो जब निकालोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 220 × 100। ओके तो मेरे भाई कितना हो जाएगा आपके पास 220 केवीए तो यहां पे होगा, तो टोटल आपके पास आ गया। तो सर कंडक्शन प्रोसेस का कितना है, कंडक्शन प्रोसेस का यहां पे आपके पास केवीए कितना है? तो सर आपने बोला कि कंडक्शन की अगर बात करता है, कंडक्शन की बात करता है तो उसमें टोटल जो भी होगा टोटल कितना है 220, अगर माइनस कितना कर दोगे जो इंडक्शन का होगा, ये जो ये पार्ट आपका इंडक्शन का था, इंडक्शन का कितना है भैया 200 × 100। ओके ऐसे भी ये आपको गिवन है, ये इंडक्शन का ही गिवन है, ये किसका गिवन है इंडक्शन का ही गिवन है, तो निकालने की आपको जरूरत ही नहीं थी सर 20। ओके तो कितना आ गया 200 KVA, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। देखो पूरा पार्ट अगर आपका क्लियर है, सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, ओके तो आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। ओके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है उसको, क्या क्या चीजें आपकी चेंज आती है, किस तरीके से आप रेटेड निकालते हो, ओके ये सारी चीजें आपने सीख ली है। ओके तो अब आगे से आप गलती मत करना। अरे यार क्या हो गया ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आधा क्वेश्चन शायद नेक्स्ट पेज पे है और आधा क्वेश्चन इस पेज पे है, चलो कोई ना इसको एक बार रीड कर लो, इसको रीड कर लो तो बोल देना मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार इसको रीड कर लो, एक बार इसको रीड कर लोगे तो मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा। यहां पे ये बोल रहा है कि सर हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 210 है, इन सेकेंडरी वाइंडिंग 140 है। आपके पास याद रखो प्राइमरी वाइंडिंग में आपके पास 210 टर्न्स है और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वहां पे 140 टर्न्स है। ओके आगे क्वेश्चन क्या है भैया, आगे क्वेश्चन यही है, पूरा क्वेश्चन ये है, पूरा क्वेश्चन ये है आपके पास। देखो सर पूरा क्वेश्चन आपके पास ये है, इफ द इनपुट करंट इज 60 एम्पीयर द करंट इन आउटपुट एंड कॉमन वाइंडिंग आर रेस्पेक्टिवली। देखो यहां पे मैं बोल देता हूं इसने क्या बोल रखा है, ये मैं उस पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग यहां पर लिख दो आप, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग कितना है 210। ओके और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना है 140, ये गिवन है, यही गिवन है 210 और 140। ठीक है पूरा क्वेश्चन यहां पे मैंने लिख दिया है, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बना दो। क्या ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 210 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग 140, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेना। ओके कोई गलतियां मत कर देना वरना यार बहुत बड़ी, मतलब इतना सब कुछ सिखाया ना मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सब कुछ आपका बेकार चला जाएगा। द इफ द इनपुट करंट इज 60 एम्पियर द करंट इन द आउटपुट एंड कॉमन वाइंडिंग आर रेस्पेक्टिवली। गुड इवनिंग अभी कैसे हो बच्चे, इसका 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 आंसर दोबारा बताओ, अभी तक किसी बच्चे का आंसर आया क्या, अभी तक किसी का नहीं आया ना, निकाल दो, गलतियां मत करना, बस गलतियां मत करना। देखो आप कमेंट देख के आंसर मत देना, कोई भी है ना बच्चे कमेंट देख के जिंदगी में कभी आंसर मत देना, कमेंट देख के दोगे ना तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। आप आपका दिमाग क्या बोलता है, आपने सीखा है, सभी ने यहां पे एक समान ही सीखा है, आपने चीजें क्या सीखी वो इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ प्रसाद आपका आया सर बी, ओके चलो अच्छी बात है, मतलब आप आपकी मेहनत से आंसर लेके आओ। मैंने पूरा क्वेश्चन यहां पे लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 210, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग 140, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन रीड करना है, फिर आपको ये क्वेश्चन रीड करना है। अरे अपने बच्चे तो यार मतलब शॉक हो गए यहीं पे, अपने बच्चे तो यहीं पे यार मतलब मतलब खतरनाक, ऐसा भी हो सकता है।
रोशन आपसे, अबीब से, मैंने बोला ना अपने हिसाब से आंसर देना है आपको, किसी का आंसर देख के आंसर नहीं देना, आपको अपने दिमाग से आंसर देना। एसएससी जेई 2012, एसएससी जेई 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। रोशन आप बोल रहे हो सर सी, ओके चलो अच्छी बात है। बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं, बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं मेरे भाई? अरे ना ना देर, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी यहां पे। ओके लवकुश आपका सी, सुमित्रा आप सी और राहुल सी, ओके। और बाकी के बच्चे यार सभी बच्चे सोल्व कर रहे हैं तो सभी के सभी बच्चे आंसर दो, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप सब बैठ जाओ, ऐसा ऐसी गलतियां ना करो बच्चे, आप सीखोगे। देखो भैया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 210 एंड 140 आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में है, ओके। 210 आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में है, तो यहां पे भैया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखो सर, देखो सर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस हमने इसको डिफिकल्ट बना दिया है, बस हमने इसको डिफिकल्ट बना दिया है। कैसे देखो, समझो, देखो बच्चों कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 210 है, आपके पास सेकेंडरी में 140 है। वो बोल रहा है कि इनपुट करंट 60 एम्पियर, द करंट इन आउटपुट एंड कॉमन वाइंडिंग आर रेस्पेक्टिवली। मैं हमेशा से बोलता हूं कि भैया ऑटो जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, यहां पे रटने की कोई चीज नहीं है कि आप इसे रट के काम चला लोगे। मैंने बोला कि यहां पे आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन है वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा, ओके। अब भैया प्राइमरी वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात की है इसने, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात की है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने बना दिया, ओके, ये बना दिया भैया मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने बना दिया, ओके, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने बना दिया बच्चे, ठीक है सर, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर मैंने बना दिया। देखो सर यहां पे देखो कि उसने बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 210, मैं हमेशा से बोलता था, ओके, हमेशा से बोलता था कि यहां पे आपको जब भी आपको ये सारे एक्शंस लेना है, हमेशा ये इस तरीके से आपको डाटा लेना होता है भैया, इस तरीके से। तो आप बोलोगे कि यहां पे एनएच टर्न्स की जो बात कर रहा है, जो एनएच टर्न्स की बात हो रही है यहां पे, जो एनएच टर्न्स की प्राइमरी साइड में, आप क्या बोलोगे एनएच टर्न्स? तो भैया यहां पे एनएच ही होता है ना, यहां पे एनएच ही होता है सर। कितना है सर एनएच, कितना है सर 210, ओके। और सर हमारे पास सेकेंडरी साइड में कितना है सर, ये हमारे पास एनएल है, ये हमारे पास एनएल है, तो ये एनएल हो गया सर हमारे पास, कितना हो गया सर 140। अगर ये 140 हो गया तो यहां पे देखो सर, यहां पे देखो सर, इनपुट करंट इज 60 एम्पियर, तो सर ये आईएच की बात कर रहा है कि आईएच जो है वो हमारे पास 60 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। द करंट इन आउटपुट ये बोल रहा है कि लोड करंट, ओके, मतलब इस लोड करंट की बात कर रहा है, इस लोड करंट की, कि आउटपुट लोड करंट कितना होगा एंड कॉमन जो वाइंडिंग है उसके अंदर करंट कितना होगा। चलो ठीक है, कॉमन वाइंडिंग के अंदर आपको पता है कि सर इसके अंदर जो हम लेते हैं, इसके अंदर जो हम लेते हैं वो IL माइनस IH लेते हैं, IL माइनस IH लेते हैं, दिस इज कॉमन वाइंडिंग, दिस इज कॉमन वाइंडिंग। देखो सर अगर ये सारी चीजें हमने कर ली तो हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन सर यहां पे कोई डाटा तो गिवन नहीं है, अगर कोई डाटा नहीं है तो सर आपने हमेशा से हमको ये टर्न रेशियो याद करने के लिए मना किया है, आपने यही बोला था बच्चे मैं आपको HB बाई LV का जो रेशियो बता रहा हूं इसी से आपको याद रखना, आपको कुछ याद ही नहीं रखना कि N2 बाई N1, N1 बाई N2, ऐसा कुछ याद नहीं रखना। यहां पे जो टर्न रेशियो आपको याद रखना है कि सर HB बाई LV का याद रखना है, और जो ये होगा ये ग्रेटर देन 1 आएगा, या आप ये भी कर सकते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इक्वल्स टू LV बाई HV भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो आएगा दिस इज लेस देन 1, ओके। तो सर हमने जितने भी फॉर्मूला डिराइव किए थे इसी को देख के हमने डिराइव किए थे, तो सर आपने बोला था कि सर VH बाई VL, ओके, इक्वल्स टू होता है सर NH बाई NL, ओके, इक्वल्स टू होता है सर IL बाई IH, ओके, इक्वल्स टू होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो, ये होता है। अगर ये होता है मेरे भाई तो आप बोल दोगे कि सर जो NH है वो कितना है सर 210,
210, NL कितना है सर 140 इक्वल्स टू IL कितना है सर, नहीं पता सर, ये IL हो गया सर। IH कितना है सर, IH कितना है? ये रहा सर 160। तो सर IL का करंट का वैल्यू निकल सकता है सर, IL इक्वल्स टू 60 × 210 डिवाइडेड बाय 140। ओके तो इसको कट कर दो भैया, इससे ये कट हो जाएगा, इससे अगर 7 से कट करोगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा। तो भैया आप बोलो कि ये 90 एम्पियर नहीं आएगा, ये 90 एम्पियर नहीं आएगा, तो आप IL बोल दोगे सर दिस इज 90 एम्पियर। अगर ये आ गया तो सर इसके अंदर आपको करंट पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो करंट होता है IL माइनस IH होता है। अगर IL माइनस IH होता है तो 90 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 60, तो 60 हो गया सर, यहां पे कितना आ गया सर 30 एम्पियर, और ये 30 एम्पियर आपके पास कॉमन वाइंडिंग का आपके पास करंट आ जाएगा मेरे भाई, कॉमन वाइंडिंग करंट, कॉमन वाइंडिंग। ओके ओके यस डियर मुर्मू भैया, ओके मुर्मू भैया भी आगे, हाँ भैया अवेलेबल है सिग्नल सिस्टम आपके इसी पे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पेड में भी अवेलेबल है, जहां चाहो वहां पे आप प्रिफर कर सकते हो। ओके तो भैया आपने बोला कि सर यहां पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सी होगा क्या बच्चों, मतलब आपको मजा आया, समझ में आया कि किस हिसाब से हम क्वेश्चन डील करना है, क्योंकि हमने बोला कि सर यहां पे जो भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो भी एक्शन लेना होता है क्वेश्चंस को देख के ही हमारे को एक्शन लेना होता है। ओके तो हमारे को क्वेश्चन के थ्रू ही हमारे को उसको सोल्व करना पड़ता है, हम बिना देखे ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें ये आंसर आएगा, इसमें ये आंसर आएगा, इसको ऐसे डील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में चीजें याद रखो कि सर जो आपने जितने भी डेरिवेशन कराए थे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के, वो आपने ये लेके आपने डिराइव किया था। ओके अगर आप ये करके सोल्व करोगे तो आपके आंसर गलत आएंगे बच्चे। ओके तो मैंने तो इसी को मान के सोल्व करवाया था, अगली बार मैं मशीन पढ़ाऊंगा ना यूट्यूब पे तो मैं ये मान के करूंगा। ओके तो आप जो मान के चल रहे हो ना उसी के थ्रू आप आगे बढ़ो। ओके तो सर इस तरीके से हम आंसर लेके आ सकते हैं बच्चे कि आपके पास लोड करंट क्या होता है, कॉमन वाइंडिंग करंट कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होगी यहाँ पे, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके यस डियर, मतलब यूट्यूब पे ही अवेलेबल है यार, चिंता क्यों करते हो मेरे भाई, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है सब कुछ, सब कुछ तो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे भाई। ये देखो सर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है सर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1/V2, ओके द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर इंडक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू, अरे वाह यार ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है मेरे भाई, ऑप्शन ये है भैया, ये एसएससी जेई में ना 2014 में पूछा हुआ है, ऑप्शन इस टाइप के हैं। तो भैया ये तो ऑप्शन है, ऑप्शन का तो आपको पता चल गया कि इस टाइप के ऑप्शंस आपके आने वाले हैं। तो आप ये बताओ, इसको सोल्व करो कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर इसका आंसर क्या आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है बट नाउ इजी। ओके आज के बाद आपके क्वेश्चन सारे इजी हो जाएंगे, चिंता ही मत करो आप, बनाओ चलो। अगर ये क्वेश्चन बना लिया ना तो मतलब मैंने आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जितना मशीन सिखाया ना, आप सब कुछ आपने कैच किया है, सब कुछ आप सीख गए हो मेरे भाई, सब कुछ सीख गए हो आप। चलो बनाओ, आपके लिए टाइम है, बढ़िया आराम से टाइम। ऑप्शन आपने देख लिया किस टाइप से आपको V1 V2 की फॉर्म में ही देना है। ओके तो मेरे भाई बता दो, आप तो आंसर निकाल के बता दो, मैं देख लूंगा इसका आंसर कितना आएगा, और ये एसएससी जेई 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन सर। और आज आपका ऑटो खत्म हो जाएगा, और भैया जो कल का याद रखना, कल जो हमारी मैराथन होने वाली है ना, आज तो सिर्फ मैंने ऑटो पे ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जो कल हमारी मैराथन होगी ना बच्चे, उसमें क्या होने वाला है, जितना अभी तक मैंने मशीन में ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ाया है उसकी मैराथन होने वाली है। अब देखना आपकी किस तरीके से मैं मशीन की प्रिपरेशन करवाता हूं, मशीन की इतनी सिस्टमेटिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी ना, क्योंकि हमने यहां तक सिंगल फेज हमने कंप्लीट कर लिया, सिंगल फेज पूरी कंप्लीट करने के बाद एक बिग मैराथन हो जाएगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे। ओके तो कल आपका एक मैराथन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में स्टार्ट कर देंगे, फिर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद एक मैराथन ले लेंगे पूरी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की। ओके तो जिसमें आपका आपका पूरा ट्रांसफॉर्मर आपका अच्छे से अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके
और दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, वहां पे ट्रांसफॉर्मर के शायद दो वीडियो मैंने डाले थे, आपको किस किस को उससे बेनिफिट हुआ एक बार जरूर बताना। ओके क्या बोल रहे हो आदित्य कुमार? सर हम हैंड कैप है, हमारा छूट मिलेगी क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसमें छूट चाहिए भैया? वहां पे जो आपको पेपर दोगे उसमें छूट चाहिए क्या? मतलब वहां पे अच्छा मजा आया ना, मतलब यार मतलब मैंने ट्रांसफॉर्मर में आपके लिए वीडियो बनाए थे, अगर आपने देखा होगा ना, आज नहीं देखा ना तो बच्चे इस चैनल पे जाके आप आज है ना वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बता रहा था कि भैया प्रैक्टिकल में चीजें आपके साथ कैसे होती है, कैसे आप उन चीजों को डील करते हो। आप यहाँ पे मैथमेटिकली तरीके से समझते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा तो सर ऐसा बता रहे हो ऐसा होता है। ओके अब देखो वो मैंने बताया था कि भैया यहाँ पे हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन आप कनेक्टेड कर देते हो, यहां से आप घर पे ले जाते हो। अब भैया जो हाई जो आपके पास हाई ट्रांसमिशन लाइन से जो आप हाई वोल्टेज जब आप कनेक्टेड करते हो, जिस टर्मिनल पे आप कनेक्टेड करते हो ना उसी को तो बुशिंग बोलते हो भैया, वही तो बुशिंग टर्मिनल होते हैं। बुशिंग जो एक नाम आता है, क्या होता है उसका मतलब भैया? वो टर्मिनल होता है जहां से आप उस वायर्स को कनेक्टेड करते हो, वही तो आपका बुशिंग होता है। ओके ऑप्शन दिखाएं, चलो ठीक है देखा करो यार, आपके लिए मतलब अच्छी चीज लेके आया हूं जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा मेरे भाइयों, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीन में और इंटरेस्ट आएगा। ओके यहाँ पे तो मैथमेटिकल तरीके से बात करते हैं, आपको पता है ना प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली बहुत चीजें अलग होती है कि सर मतलब मैंने बोलने में तो आज आपने देखा होगा कि 8 मिनट में मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मर बता दिया था, और जो वहां पे वर्किंग पे होते हैं ना जो टीचर जो बच्चे वहां पे वर्क करते हैं, ओके तो वो भी जब वर्किंग में होते हैं तो वो भी यही चीज जानते हैं कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे ऐसा होता है। अगर उनसे बोलो ना कि भैया इसको आप है ना मैथमेटिकल तरीके से देखे देखो, उनको भी नहीं पता होगा ऐसी चीजें कि किस तरीके से हम इन चीजों को करेंगे। चलो यहाँ पे रोशन कुमार बोल रहे हैं भैया कि सर V1 - V2 / V1 होगा। ओके और यहाँ पे चच्चा आप बोलो डी, अंजलि आप बोलो डी, सुमित्रा आप बोलो डी और सुमित आप बोलो डी। ओके ओके चलो अब देखो बच्चे कि यार मतलब बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ओके बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ओके यहां पे बोल रखा है कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो वोल्टेज रेशियो है V1 / V2 है, मतलब V1 / V2 मतलब V1 > V2 मतलब ये बोल रहा है, यहां पे इसने कंडीशन दे रखी है मेरे भाई, इसने बोल रखा है कि जो V1 है ना मेरे भाई, इसका कहने का मतलब था कि ये VH है, क्योंकि V1 > V2 बोला तो इसका मतलब VH बोल रहा है, और सर V2 को है ना ये VL बोल रहा है। चलो ठीक है मेरे भाई, ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर इंडक्टिव, अरे मेरे भाई आपको पता है इंडक्टिव की बात की है इसने, ओनली इंडक्टिव की, आपसे तो किसी की भी बात करता आप सब निकाल देते मेरे भाई। अगर आपने टू वाइंडिंग की बात की है उसने, ओनली टू वाइंडिंग की बात की है सर, इंडक्टिव ऑटो ट्रांसफॉर्मर से टू वाइंडिंग इंडक्टिव की इसने बात की है, तो मेरे भाई इसको कैसे बना दोगे? सर आपने बताया था ऐसा कि सर VH - VL ओके इंटू IH, बताया था कि नहीं बताया था मेरे भाई? बताया था ना, तो सर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे भाई आपने ऐसा बताया था सर VH / VL ओके इक्वल्स टू आपके पास होता है सर NH / NL ओके इक्वल्स टू क्या होता है सर IL / IH ऐसा होता है सर, और ऐसा होता है तो सर यही तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो होता है सर। तो सर अगर मैं इस VL की वैल्यू निकालना चाहूं तो VL की वैल्यू इन दोनों में भैया क्या रिलेशन है, तो सर VL = VH / A ऑटो आप लिख दोगे सर, अगर यहां पे लिखेंगे मेरे भाई तो VH - VH / A ऑटो ओके ये आप लिख दोगे मेरे भाई, अगर ये लिख दिया आपने तो आपके पास मेरे भाई क्या आ जाएगा सर, यहां से तो 1 - 1/A ऑटो आ जाएगा सर, और ये आपके पास IH आ जाएगा सर, सॉरी VH और IH आ जाएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा सर? ये VH और IH तो किसको रिप्रेजेंट करता है सर? S ऑटो को रिप्रेजेंट करता है सर। अब देखो सर यहां पे A ऑटो जो आपने बताया है वो आपने बोला कि सर A ऑटो इक्वल टू VH / VL A ऑटो इक्वल टू VH / VL तो सर VH क्या है? V1 है सर, और VL क्या है सर?
V2 है मेरे भाई, तो आप क्या इसका मतलब क्या है सर, V1 बाई V2। अगर आप ए ऑटो का मतलब समझोगे तो V1 बाई V2, तो सर आप बोलोगे सर 1-1 अपॉन V1 बाई V2, ओके। और यहां पे एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो देखो सर इसको इधर लिख देता हूं मैं, अगर इसको लिखूंगा सर तो 1-1 V2 बाई V1 और यहां पे एस ऑटो, ओके। तो सर यहां पे देखो हमारे पास आएगा V1-V2 डिवाइडेड बाई V1 और यहां पे हो जाएगा सर एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो ये आंसर हमारे पास आने वाला है मेरे भाई, ओके। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना था। तो सर हमारे पास ये इंडक्टिव पार्ट है मेरे भाई, दिस इज इंडक्टिव पार्ट, ओके। और ये ऑटो के कंपेयर में इसका इतना आया, इंडक्शन के थ्रू ही तो आपने उसको निकालोगे, तो ऑप्शन जो भी होगा V1-V2/V1 होगा सर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चंस एसएससी जेई की, ओके। अब आज का जो एसएससी जेई का जो हमने जो जितने ऑटो के ट्रांसफॉर्मर के हम क्वेश्चंस ले सकते थे उतने हमने क्वेश्चंस लिए, लेकिन अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि जो आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो होता है, अगर ऐसा पूछ ले, मान लो जनरली उसने कुछ डाटा नहीं गिवन है, अगर कुछ डाटा नहीं गिवन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि जो ऑटो का जो टर्न रेशियो होता है मेरे भाई, ओके, कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो भैया कितना होता है, कितना होता है एक बार बताना, कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो अगर आप टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करते हो तो उसके कंपेयर में कितना होना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है। और ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन है ईएससी का, ईएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो टू वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में कितना होना चाहिए। मतलब मैं यहां पे लिख गया, क्वेश्चन को लिख हो गया, चलो ठीक है यहां पे लिख देता हूं मैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये ईएससी का क्वेश्चन है, ओके। ये बोल रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो कंपेयर टू ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ओके, कितना होना चाहिए। हाँ सुमित्रा, आपको याद आया कि सर आपने बताया था, आपने बताया था कि सर ए ऑटो इक्वल्स टू ए प्लस 1 होता है, बताया था कि नहीं बताया था मेरे भाई, ऑटो का जो टर्न रेशियो होता है ए प्लस 1 होता है, ओके। अब मेरे भाई बताओ, अब आपको कुछ रेटिंग नहीं गिवन है, आपको कुछ भी डाटा वहां पे गिवन नहीं है, कुछ भी आपको गिवन नहीं है, अगर कुछ भी आपको गिवन नहीं है तो आप कैसे बता दोगे कि यहां पे ऑटो का टर्न रेशियो कितना होना चाहिए। अब सोच लो कि आपसे पूछ लिया, अब क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, आपका क्या आंसर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ओके। सुमित्रा आपने बोला और रोशन कुमार आप बोले 1, अगर मैं आपसे ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो ठीक है, 3-2-1, ओके, एंड मैं बोल देता हूं 1.5, ये मैंने ऑप्शन दे दिया, दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज बी ऑप्शन, दिस इज सी ऑप्शन, दिस इज डी ऑप्शन, जल्दी बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसका टर्न रेशियो टू वाइंडिंग के कंपेयर में कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन भी मैंने दे दिया, और कुछ नहीं गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन है, दुनियादारी कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप कौन सा क्लिक करोगे। कौन सा क्लिक करोगे आप, यहां पे ऑप्शंस है आपके पास। अब आप बोलोगे सर अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा आपको पता है कि सर जो जो यहां पे टर्न रेशियो होता है उसको कौन डिसाइड करता है, उसको एक तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है वो उसका एचवी और एलवी उसको डिसाइड करता है कि उसका एचवी क्या है और उसका एलवी क्या है ना, तो तभी तो आप बता सकते हो ना कि भैया इसका ट्रांसफॉर्मर का जो होगा टर्न रेशियो ये होगा। लेकिन सर यहां पे कोई डाटा हमारे को नहीं गिवन है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये ईएससी में, अगर आपसे भी पूछ लिया ना तो आपने तो गलतियां कर ही दी, एक ने भी सही नहीं दिया यहां पे आंसर, तो आपने तो गलतियां कर दी, लेकिन आज के बाद है ना आप गलतियां नहीं करोगे कि सर अगर कुछ भी डाटा नहीं गिवन है ना
और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो पूछ रहा है। तो सर हमने ये निकाला था, सर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर कल याद हो तो, कि सर होगा ना तो वन से ज्यादा ही होगा, होगा तो वन से ज्यादा ही होगा, वन से कम तो नहीं होगा अगर टू वाइंडिंग से कंपेयर करोगे तो। ऐसे तो, ऐसे तो सुनो मेरी बात, ऐसे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो आप वन के अप्रोक्सीमेट लाना चाहते हो, लेकिन जिंदगी में नहीं आता हो, वो 0.8 0.9 में ट्रेवल करता रहता है, हमेशा यहीं पे रहता है वो। लेकिन अगर कंपेयर कर रहे हो आप इससे टू वाइंडिंग से, तो आप ये चाहते हो कि आपके पास ऑटो का टर्न रेशियो जो टू वाइंडिंग है उससे कितना ज्यादा आना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, हर टर्न रेशियो का यही रिकॉर्ड है अभी तक कि वो हमेशा वन के पास आना चाहिए।